सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल लेंस के थ्रू जो भी हम स्टडी मटेरियल को स्कैन करते हैं और उस स्टडी मटेरियल को हमने अपने पीसी में एक ही क्लिक में कैसे ट्रांसफर करना है। दोस्तों, कई बार हमारे पास हैंड रिटन इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है, उस स्टडी मटेरियल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हम उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, या हम उसे फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं। तो हमने गूगल लेंस का यूज करके उस स्टडी मटेरियल को स्कैन करना है एंड उस स्टडी मटेरियल को हमने गूगल लेंस से कॉपी करना है एंड उसके बाद हमने अपने पीसी में ट्रांसफर करना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उस कॉपी टेक्स्ट मटेरियल को पीसी में ट्रांसफर करने के लिए पीसी में कौन कौन सी सेटिंग करनी है। दोस्तों, ये सभी देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मोबाइल में गूगल लेंस इंस्टॉल करने से पहले आपने अपने पीसी में कुछ सेटिंग्स करनी है। आपने अपने पीसी से क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद राइट टॉप पे आपको यहाँ पे एक आइकॉन मिलेगा, इस आइकॉन पे आपने क्लिक करना है। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद टर्न ऑन सिंक करना है। दोस्तों, जहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी फिल करना है, वही ईमेल आईडी आपने यहाँ पे भी फिल करना है जो आपके फ़ोन में भी फिल किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें आपके फ़ोन का जो डाटा सिंक हो रहा है उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे आपने फिल करना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, यस आई एम इन पे क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद आपने अपने पीसी से राइट करना है ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, एंटर कर देना है। उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपने गूगल डॉक्स पे क्लिक करना है, ओपन करना है इसे और इसे ओपन करके छोड़ देना है। आफ्टर दैट आपने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है गूगल लेंसेज, इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेरे फ़ोन के कैमरा के साथ इनबिल्ट है ये ऐप, इसे आपने ओपन करना है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपने फ़ोन के कैमरा से कैसे ओपन करनी है। अब ये न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, उन फोन्स में कैमरा में इनबिल्ट है, तो आपने कैमरा पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक गूगल लेंस का आइकॉन मिलेगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन के कैमरा में ये ऑप्शन नहीं मिल रही तो आपने इस ऐप को मैनुअली इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर दैट आपने जो भी डॉक्यूमेंट है आपकी, कोई हैंड रिटन बुक है, कुछ भी है, तो आपने यहाँ पे उसे अपने कैमरा के सामने रख लेना है। सामने रखने के बाद आपने यहाँ थ्री लाइन शो होगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सेंटर पे सेंटर पे जो बिग आइकॉन होगा उस पर आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल करना है। अगर आप अदरवाइज अगर आप कुछ मैन्युअली सिलेक्ट करना चाहते हो मैन्युअली सिलेक्ट करना है, अगर आप ऑल सिलेक्ट करना चाहते हो आपने ऑल सिलेक्ट करना है। अगर आपकी हैंड रिटन को डिटेक्ट नहीं कर रहा गूगल लेंस तो उसके लिए आपने टैप करना है। दोस्तों, आपने बॉटम पे ड्रैग करना है। बॉटम पे ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिलेगी, तो आपने यहाँ राइट साइड पे स्वैप करना है। जब राइट साइड पे स्वैप करोगे तो आपको यहाँ मोर की ऑप्शन मिलेगी, आपने इस मोर की ऑप्शन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपने इस हैंड राइट को इनेबल कर देना है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी इनेबल है तो आपने इसे इनेबल कर देना है। गूगल लेंस लैंग्वेज डिटेक्ट नहीं कर रहा तो आपने यहाँ से लैंग्वेज भी ऐड कर देनी है, ऐड अनदर लैंग्वेज। जैसे मैंने ऑलरेडी इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे ऐड की हुई है, उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है और ओके कर देना है। आफ्टर दैट आपने रिटर्न करने के लिए यहाँ क्रॉस पे क्लिक करना है। दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी टू कंप्यूटर करना है। जब आप कॉपी टू कंप्यूटर करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगी जो भी आपके कंप्यूटर सिंक हो रहे हैं इस ईमेल आईडी के साथ। आपने यहाँ से पीसी सेलेक्ट करना है जिसमें आपने सेंड करना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ दीप पीसी, और उसके बाद आपने अपने पीसी में राइट क्लिक करना है एंड पेस्ट कर देना है। दोस्तों, जो भी हमने यहाँ पे स्कैन किया था अपने मोबाइल में, अभी वो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होके चला गया हमारे पीसी में। दोस्तों, अभी आपके पीसी में जो पेस्ट की कमांड है वो एक्टिव हो गई है। अगर आप टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो, वहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो, तो आप अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो जो लोकल आपके कंप्यूटर में होता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई गूगल लेंस या गूगल ट्रांसलेटर के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।